उत्तर प्रदेश की जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। किसान नेता आशु चौधरी ने किया बिसल प्रदर्शन। सरकार द्वारा MSP मूल्य का लाभ किसानों को न मिल पाने के विरोध में भाकरी भानु। प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन। बाराबंकी गन्ना दफ्तर में बाराबंकी से संवाददाता सुभाम वर्मा की खास रिपोर्ट। अभी कुछ प्रशासनिक अधिकारी हमारे किसान भाइयों की ट्रालियों को रोक रहे थे। SDM साहब से हमने बता दिया है कि अगर एक भी ट्राली रोकी तो आज तुम लोगों की नींदें हराम कर दूंगा मैं। लखनऊ से पहले बात नहीं करेंगे। ट्राली रोकने की किसी की हैसियत नहीं है प्रशासनिक अधिकारी में, ये जान ले। ये धान है, धान अफीम मर्फिया नहीं लगी है इस पे, और ये हमारी मेहनत का फल है, ये हमारा उत्पाद है, और भारत देश का हर एक 125 करोड़ आबादी का हर एक शख्स को खाता है। तो जो धान को खाता है वो किसान से बदतमीजी नहीं करेगा, और अगर करेगा बदतमीजी तो लाठियां लेकर आए हम लोग। आज पिछवाड़ा लाल करेंगे, सोच लेना तुम लोगों। प्रशासनिक के जो अधिकारी है, अभी बताता हूँ मैं, लाया हूँ इनकी सूची भी कि कहाँ कहाँ से पैसा उठा रहे हो, किसानों के हक का पैसा खा रहे हो, व्यापारियों को लाभ दे रहे हो। किसान मजबूर है, किसान ने दीपावली नहीं मनाई है, अपने बच्चों को मिठाई नहीं खिला पाया है, अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहना पाया है, इसका देन है बाराबंकी जिला प्रशासन जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। बाराबंकी का प्रशासन एक बात तो बहुत बखूबी जानता है कि मुकदमे और लाठियों से भानु वाले डरने वाले नहीं हैं। जितने मुकदमे लिखोगे, जितनी लाठी मारोगे, उतना हौसला हमारे को। पिछली बार मैंने बताया था ये बात, तो कान खोल कर ये सुन ले, मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं। और सुनिए, ये मेरा मुद्दा है, ये मेरे उत्पाद का मुद्दा है, मेरी मेहनत का मुद्दा है, तो हम आपसे लड़ेंगे, दो हाथ भी करेंगे। और सुनिए, अभी 10 दिन पहले मैंने कहा था हमारे धान के मामले में पुलिस बीच में नहीं आएगी, यातायात व्यवस्था हमारे किसान भाई बाधित नहीं करेंगे, हमने सबसे निवेदन कर रखा है। अगर होती है दिक्कत तो प्रशासन के लोग जाने, हमसे हमारी जिम्मेदारी नहीं। 10 दिन पहले मैंने पत्र लिखकर अवगत कराया था। अभी दो 250 ट्रालियां शहर के बाहर खड़ी हैं, उनको भी अविलंब लाया जाए, नंबरिंग कराई जाए, और 4 बजे से पहले अगर तौल स्टार्ट नहीं होती है तो प्रशासन वाले जान ले क्या होगा आज।